हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेडिकल आईआईटी विंग में। बच्चों मैं आनंद देव, आज हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चन को करेंगे। चैप्टर नंबर 11 यानी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट और चैप्टर नंबर 12 यानी मिनरल न्यूट्रिशन। देखते हैं बच्चों एग्जाम्पलर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है 11 और 12 को मिला के। हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट अप्लाई टू रिवर्स ऑस्मोसिस। कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नहीं लागू होता है रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए। पहला ऑप्शन, इट इज यूज्ड फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। दूसरा ऑप्शन, इन दिस टेक्निक प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सिस्टम। तीसरा ऑप्शन, इट इज अ पैसिव प्रोसेस। चौथा ऑप्शन, इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा बच्चों? अगर हम लोग बात करें डज नॉट अप्लाई टू रिवर्स ऑस्मोसिस, तो रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए पैसिव प्रोसेस नहीं होता है, तो कौन सा हो जाएगा? इट इज अ पैसिव प्रोसेस। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अगर हम बात करें, इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डायरेक्टली अफेक्ट ट्रांसपिरेशन। कह रहा है इनमें से कौन सा डायरेक्टली अफेक्ट नहीं होता है ट्रांसपिरेशन में। पहला कह रहा है टेम्परेचर, दूसरा कह रहा है लाइट, तीसरा कह रहा है विंड स्पीड, चौथा कह रहा है क्लोरोफिल कंटेंट ऑफ लीव्स। तो बिल्कुल भी ट्रांसपिरेशन में जिसका फर्क नहीं पड़ता है वो कौन है बच्चों? वो है हमारा क्लोरोफिल कंटेंट, क्लोरोफिल कंटेंट ऑफ लीव्स, क्लोरोफिल कंटेंट ऑफ लीव्स। यानी इस अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो हमारा जो है आंसर डी जो है करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए कह रहा है, द लोअर सरफेस ऑफ लीफ विल हैव मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा इन अ। कह रहा है लोअर सरफेस ऑफ लीव्स की बात करें, किसके पास ज्यादा स्टोमेटा देखने को मिलता है? डार्सी वेंट्रल लीफ की, आइसोबाइलेटरल लीफ की, बोथ ए एंड बी की, नन ऑफ दीज। तो किसमें देखने को मिलता है बच्चों? लोअर सरफेस ऑफ लीफ विल हैव मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा, तो किसमें देखने को मिलता है बच्चों बताइए? डॉर्सी वेंट्रल लीफ में। किसमें देखने को मिलता है? डॉर्सी वेंट्रल लीफ में। यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, देखिए करा, द फॉर्म ऑफ शुगर ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम इज। कह रहा है कि फ्लोएम के थ्रू शुगर किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, तो किस फॉर्म में होता है बच्चों? पहला ऑप्शन है ग्लूकोज के फॉर्म में, दूसरा ऑप्शन है फ्रक्टोज के फॉर्म में, तीसरा ऑप्शन है सुक्रोज के फॉर्म में, और चौथा ऑप्शन है राइबोज के फॉर्म में। तो किस फॉर्म में होता है बच्चों बताइए? सुक्रोज के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? सुक्रोज के फॉर्म में होता है। यानी क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फाइव, करा द प्रोसेस ऑफ गटेशन टेक्स प्लेस। करा गटेशन प्रोसेस किस समय देखने को मिलता है? पहला ऑप्शन है करा व्हेन द रूट प्रेशर इज हाई एंड द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज लो। रूट प्रेशर हाई हो और ट्रांसपिरेशन रेट लो हो। दूसरा ऑप्शन कह रहा है व्हेन द रूट प्रेशर इज लो एंड द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज हाई। तीसरा ऑप्शन कह रहा है व्हेन द रूट प्रेशर इक्वल टू द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। और चौथा ऑप्शन कह रहा है व्हेन द रूट प्रेशर एज वेल एज रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन आर हाई। तो बेटा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? रूट प्रेशर हमारा क्या होता है गटेशन के दौरान? हाई होता है। और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लो होता है। यानी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है? इसमें हमारा जो रूट का प्रेशर होता है बच्चों,
रूट का प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बच्चों क्या होता है, लो होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स, करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंवाइजेशन, करा इनमें से कौन सा इंवाइजेशन का एग्जांपल है। पहला ऑप्शन करा अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट हेयर, दूसरा ऑप्शन करा एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन स्टोमेटा, तीसरा ऑप्शन करा सॉइलिंग ऑफ सीड्स व्हेन पुट इन सॉइल, चौथा ऑप्शन करा ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो कौन सा हो जाएगा बच्चों, सॉइलिंग ऑफ सीड व्हेन पुट इन सॉइल, यानी क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, करा व्हेन अ प्लांट अंडरगोस सेंसेशन द न्यूट्रिएंट्स में भी, कौन से न्यूट्रिएंट्स के वजह से सेंसेशन फेज आता है, एक्युमुलेटेड, ट्रांसलोकेटेड, बाउंड टू सेल वॉल, नन ऑफ दीज। तो कौन सा हो जाएगा बच्चों, बाउंड टू सेल वॉल। बाउंड टू सेल वॉल यानी क्वेश्चन नंबर सेवन का थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर एट, करा वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज इक्वल टू, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या होगा बच्चों। हम लोग जानते हैं प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 0, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, करा चूज द करेक्ट ऑप्शन, माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विथ रूट सिस्टम विच हेल्प इन, पहला ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, दूसरा ऑप्शन है मिनरल न्यूट्रिशन के लिए, तीसरा ऑप्शन है ट्रांसलोकेशन के लिए, और चौथा ऑप्शन है गैसियस एक्सचेंज के लिए। यानी पहला और दूसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल न्यूट्रिशन के लिए एसोसिएशन करते हैं, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, करा बेस द फिगर गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉन करेक्ट, द नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है बच्चों इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। फर्स्ट और सेकंड डायग्राम है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल है, इधर वाटर है, इधर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। पहला कह रहा है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल टेक्स प्लेस फ्रॉम ए टू बी, एकदम सही है। दूसरा कह रहा है मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट विल टेक्स प्लेस फ्रॉम ए टू बी, सॉल्यूट कह रहा है कि ए टू बी ट्रांसलोकेट होगा। तो बच्चों ये स्टेटमेंट तो गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, इधर से इधर होगा ना कि इधर से इधर होगा, यानी बी हमारा जो है यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। करा प्रेजेंस ऑफ अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज अ प्रीरिक्विसाइट फॉर दिस प्रोसेस टू अकर। नेक्स्ट कर रहा है द डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड्स ऑन बोथ द प्रेशर ग्रेडियंट एंड कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, यही वाला ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, यानी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, करा मैच द फॉलोइंग कॉलम, इधर एक कॉलम दिया गया है, इधर एक कॉलम दिया गया है, और इनको मैच कराना है। तो हम मैच करा लेते हैं, इनमें से किसका किससे मैच करता है। पहला है लीव्स, लीव्स को मैच करा दीजिए किससे, ट्रांसपिरेशन से। दूसरा है सीड्स, सीड्स को मैच करा दीजिए इनवाइजेशन से। तीसरा है रूट्स, रूट्स को मैच करा दीजिए एब्जॉर्प्शन से। चौथा है एस्पिरिन, एस्पिरिन को मैच करा दीजिए एंटी ट्रांसपिरेंट से। और पांचवा है प्लाज्मोलाइट सेल, प्लाज्मोलाइट सेल को मैच करा दीजिए निगेटिव ऑस्मोटिक पोटेंशियल से। यानी ए का जो होगा वो सेकेंड होगा, बी का जो होगा वो फोर्थ होगा, सी का जो होगा वो फिफ्थ होगा,
डी का जो होगा वो फर्स्ट होगा और ई का जो होगा वो थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा, 11 का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कराए मार्च द मिसमैच्ड पेयर, इसमें से कौन सा पेयर मिसमैच्ड है उसके बारे में बताना है। पहला है एमाइलोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, दूसरा है इलियोप्लास्ट स्टोर ऑयल एंड फैट्स, तीसरा है क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट, चौथा है क्रोमोप्लास्ट कंटेन कलर्ड पिगमेंट अदर देन क्लोरोफिल। यानी हमारा जो गलत हो जाएगा वो हो जाएगा एमाइलोप्लास्ट जो लिखा हुआ है स्टोर प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, करा विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इसेंशियल एलिमेंट्स, करा इनमें से कौन सा रूल्स इसेंशियल एलिमेंट के लिए करेक्टर स्टिक नहीं होता है। पहला कह रहा है विंग्स अ कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, दूसरा कह रहा है चेंजिंग द केमिस्ट्री ऑफ सॉइल, तीसरा कह रहा है विंग अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स, और चौथा कह रहा है एक्टिवेशन या फिर इम्बाइबिशन ऑफ एंजाइम। तो क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा हो जाएगा, चेंजिंग द केमिस्ट्री ऑफ सॉइल, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, देखिए करा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बेस्ट एक्सप्लेन द टर्म क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ एन इसेंशियल एलिमेंट्स, इनमें से कौन सा बेस्ट स्टेटमेंट है क्रिटिकल कंसंट्रेशन के लिए, इसेंशियल एलिमेंट के क्रिटिकल कंसंट्रेशन के लिए। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कौन सा है, पहला ऑप्शन है इसेंशियल एलिमेंट कंसंट्रेशन बिलो विच प्लांट्स ग्रोथ इज रिटार्डेड, दूसरा ऑप्शन है इसेंशियल एलिमेंट कंसंट्रेशन बिलो विच प्लांट्स ग्रोथ बिकम्स इनहांस्ड, तीसरा ऑप्शन है इसेंशियल एलिमेंट कंसंट्रेशन बिलो विच प्लांट्स रिमेन्स इन द वेजिटेटिव फेज, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यानी इसमें कौन सा हो जाएगा बच्चों, मोर करेक्ट की बात क्या है, तो इसेंशियल एलिमेंट कंसंट्रेशन बिलो विच प्लांट पार्ट ग्रोथ इज रिटार्डेड। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 करा डिफिशियंसी सिम्पटम ऑफ एन एलिमेंट टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन यंग लीव्स, आई करा इट इंडिकेट्स दैट द एलिमेंट इज रिलेटिवली इमोबाइल, करा विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डिफिशियंसी विद सो सच सिम्पटम, पहला कह रहा है सल्फर, दूसरा कह रहा है मैग्नीशियम, तीसरा कह रहा है नाइट्रोजन और चौथा कह रहा है पोटेशियम। तो कौन सा होगा बच्चों बताइए, क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ देते हैं, करा डिफिशियंसी सिम्पटम ऑफ एन एलिमेंट्स टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन यंग लीव्स, इट इंडिकेट्स दैट द एलिमेंट इज रिलेटिवली इमोबाइल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डिफिशियंसी सिम्पटम वुड बी सच सिम्पटम्स, किसकी वजह से देखने मिलेगा बच्चों, तो बताइए कौन सा इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सल्फर, सल्फर। यानी क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा फर्स्ट जो है ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 करा विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिम्पटम इज नॉट ड्यू टू मैग्नीज टॉक्सिसिटी इन प्लांट्स, पहला ऑप्शन कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन सूट अपेक्स इज इनहिबिटेड, दूसरा डिफिशियंसी इन बोथ आयरन एंड नाइट्रोजन इज इंड्यूस्ड, तीसरा अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय नन ऑफ द अबव। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा हो जाएगा, टॉक्सिसिटी इन प्लांट्स मैग्नीज की वजह से, डिफिशियंसी इन बोथ आयरन एंड नाइट्रोजन इज इंड्यूस्ड, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, रिएक्शन कैरिड आउट बाय द नाइट्रोजन
फिक्सिंग माइक्रोब्स इंक्लूड्स लिखा हुआ है, अमोनिया ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नाइट्रेट्स बना लिया और उसके बाद जो है फिर से यहां से रिएक्शन करके नाइट्राइड्स आयन बना लिया। करें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दिस इक्वेशन इज नॉट ट्रू, करें इनमें से कौन सा इक्वेशन ट्रू नहीं है। पहला करें स्टेप फर्स्ट इज कैरिड आउट बाय द नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस। दूसरा करें स्टेप सेकंड इज कैरिड आउट बाय द नाइट्रोबैक्टर। तीसरा करें बोथ स्टेप फर्स्ट एंड सेकंड कैन बी कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। चौथा करें बैक्टीरिया कैरिंग आउट दिस स्टेप आर यूजुअली फोटो ऑटोट्रॉफिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 का, बैक्टीरिया कैरिंग आउट दीज स्टेप आर यूजुअली फोटो ऑटोट्रॉफिक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 करा विथ रिगार्ड टू द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम इन एसोसिएशन विथ सोयाबीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू। पहला कहा नाइट्रोजन नाइट्रोजिनेज में रिक्वायर्स ऑक्सीजन फॉर इट्स फंक्शनिंग। दूसरा कह रहा है नाइट्रोजिनेज इज मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन। तीसरा कह रहा है लेड हीमोग्लोबिन इज अ पिंक कलर पिगमेंट। चौथा कह रहा है नाइट्रोजिनेज हेल्प टू कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस इंटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कौन सा सही हो जाएगा, डज नॉट होल्ड ट्रू, कौन सा बात सही होगा, नाइट्रोजिनेज में रिक्वायर्स ऑक्सीजन फॉर इट्स फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए करा मैच द एलिमेंट्स विथ इट्स एसोसिएशन फंक्शन रोल्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन अमंग गिवन बिलो। बता रहा है कुछ दिया गया है कॉलम, इनको मैच कराना है तो हम इनको मैच करा के देख लेते हैं कौन सा होगा। फर्स्ट ए पे आते हैं बोरान, बोरान को मैच करा लेते हैं, ए का हो जाएगा फोर्थ पोलन जर्मिनेशन से, बी मैग्नीशियम मैग्नीज मैग्नीज को मैच कराते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसके बाद सी मॉलिब्डेनम मॉलिब्डेनम को मैच कराते हैं कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजिनेस, यानी सी का हमारा जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं डी देखते हैं, डी को मैच कराते हैं जिंक, जिंक हमारा हो जाएगा नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, और उसके बाद ई को मैच कराते हैं आयरन, आयरन हमारा हो जाएगा फिफ्थ से कंपोनेंट ऑफ फेरिडॉक्सिन। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए का हो जाएगा फोर्थ, बी का हो जाएगा फर्स्ट, सी का हो जाएगा थर्ड, डी का हो जाएगा सेकंड और ई का हो जाएगा फिफ्थ। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए फोर्थ, बी फर्स्ट, सी थर्ड, डी सेकंड और ई फिफ्थ, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा प्लांट्स कैन बी ग्रोथ इन, टिक द इनकरेक्ट ऑप्शन, इसमें से इनकरेक्ट बताना है। पहला कह रहा है सॉयल विथ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, सही है। दूसरा कह रहा है वाटर विथ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है आइदर वाटर और सॉयल विथ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ये भी सही है। वाटर और सॉयल विदाउट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, यही बात गलत होगा, यही ऑप्शन हमारा सही है। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट है। बच्चों आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। बहुत जल्दी एग्जाम्पलर के हम नए चैप्टर के फिर से क्वेश्चन लेके आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग नए चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, जिससे हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोग को ले आए और पढ़ाएं।